नमस्ते दोस्तों, जनता की आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आम जनता से पूछेंगे जनप्रतिनिधि चुनने से उनको क्या फायदा होता है, क्यों चुनते हैं जनप्रतिनिधि को। जो हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं वोट देके, जनप्रतिनिधि को चुनने से आपको क्या फायदा होता है? फायदा तो करा जना तो घणो ही है, नहीं जन की कौन है आप गल्लू सीधा करने में लागू है, मारे की कौन होने वाने के में आज बुलाई कोई मतलब नहीं है। आप गल्लू सीधा हो गया जना तो जचे ज्यों करे मारे वास्ते अटकून है, माने टिकी देनी है साई जी के अंदा कोई मतलब की कौन मान। हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं, जनप्रतिनिधि चुनने से हमें क्या फायदा है? फायदा है ये है कि हमारे नौके को विकास के लिए हमारे विधायक चाहिए, अच्छा विधायक चाहिए, और नौका को अन्ना को करने के लिए, विकास करने के लिए हमारे को ऐसा नेता चाहिए नौका के लिए जो कि विकास करवा सके, अपने हित की, जनता की हित की कोई बात सुन सके। कौन है ऐसा नेता? हमारे को तो देखो पार्टी से कुछ नहीं करना है, हमारे को बिहारी लाल जी विष्णु चुनना है। क्या प्लस पॉइंट है बिहारी लाल जी विष्णु का? प्लस पॉइंट यही है, हम कभी भी रात को या दिन में कभी कोई भी गाड़ी के लिए ट्रांसपोर्ट का काम है हमारा, कोई भी फ़ोन करते हैं तो हमारा काम तुरंत बन जाता है। जनप्रतिनिधि चुनने से आपको कोई फायदा हुआ आज तक? हमारा तो कुछ फायदा नहीं हुआ है। तो भी आप वोट देते हो? हाँ वोट तो देते ही हैं। इस बार नौखा का क्या माहौल लग रहा है? नौखा का माहौल तो डूडी साहब की तरफ ही है। क्या प्लस पॉइंट है डूडी साहब का? डूडी साहब किसानी नेता है, किसान की आवाज़ सुनता है। आप जनप्रतिनिधि जब चुनते हो आपको जनप्रतिनिधि चुनने से कोई फायदा हुआ है आज तक? देखो ऐसा है कि जनप्रतिनिधि चुनने से फायदा होता है, होना चाहिए, मगर यहाँ नौका में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जनप्रतिनिधि आपको कोई फायदा हुआ? जो जनप्रतिनिधि वोट देने से आपको कभी फायदा हुआ है? कभी नहीं हुआ हमारे को, कुछ फायदा नहीं हुआ। तो अभी क्यों नहीं हुआ ये पता क्या नहीं हुआ? वो नेता लोग जाना, हम क्या जाना। इस बार क्या माहौल लग रहा है? अभी तो माहौल क्या लग रहा है अभी तो कुछ पता ही नहीं चला कुछ। यही है हमारा यहाँ ट्रांसपोर्ट के सामने नगर पालिका क्षेत्र में ये पार्क आता है। इस पार्क का नाम क्या सर? ये पार्क मोटर मार्केट पब्लिक पार्क है, मोटर मार्केट के एरिया में आता है। ये वार्ड नंबर है कितना? 17 वार्ड नंबर है। 17 नंबर। हाँ, इसमें दो तीन बार आप व्हाट्सएप के द्वारा मैंने ग्रुप में फोटो भेज दिए नगर पालिका ग्रुप में, ये व्हाट्सएप के द्वारा दो तीन बार मैंने मैसेज दे दिया है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ इसका। परसों एक जेसीबी आई थी दो तीन दिन पहले, तो अपने नज़दीकी कोई मतलब किंकर थे वो कटवा दिए, बाकी ये किंकर था ये कटवाने के लिए बोला तो किसी ने यश नहीं किया, बोला हमारे को अनुमति नहीं है। ये तो नगर पालिका के अंदर आता है, वो कन्हे लाल झंवर काम नहीं कराता बिल्कुल इनो काम। हाँ, वोट देने से आपको कभी फायदा हुआ है? फायदा तो वही है भाई जी। क्या फायदा हुआ है? फायदा जी सब चीज वही है। अच्छा, इस बार क्या माहौल लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? तो सरकार तो बीजेपी की बननी चाहिए। जो वीडियो कंटिन्यू हमारे देख रहे हैं उनसे निवेदन करता हूँ, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए उस वीडियो के बारे में, और अगला वीडियो आपको किस चीज़ का चाहिए, किस डिपार्टमेंट का चाहिए, कहाँ की न्यूज़ चाहिए, वो भी ज़रूर बताना। तब तक के लिए वंदे मातरम।